अस्सलाम वालेकुम मिलियन एरो, मिलियन एरो बल्कि मैं आपको कहूँगा बिलियन एरो बल्कि ट्रिलियन एरो। मिलियन एरो क्या होता है, लाखपति, करोड़पति या चले हैर है, पति पति होता है, चाहे लाखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे ज़ीरोपति हो, लेकिन इस समय आप ज़ीरोपति हैं। वैसे एक पति होती है चाय वाली पति नहीं, जो दूसरा पति यानी अरबपति। सूरज मेरा हो गया राइट साइड पर, अभी धूप भी है और थोड़े से बादल भी हैं, अभी थोड़ा सा बादल एकदम आ गए थे, अभी धूप निकली है। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बना लूँ, और मैंने थोड़ा सा पेपर वर्क भी किया हुआ, और पेपर वर्क में क्या मैंने एक दवाइयों के डब्बे के ऊपर ही चंद चीज़ें नोट की हैं। तो आज मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के मुतालिक बताऊँगा। अच्छा, उनमें से कोई भी आपने एक सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर सीखना है, और मुकम्मल तौर पर सीख कर फिर आप उसको अपनी जो सर्विसेज हैं वो फाइबर अपवर्क जो फ्रीलांसिंग के होते हैं प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं यानी ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर ये सर्विसेज सीख कर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, तो अपनी कोई शॉप या अपना कोई स्टूडियो वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। अलबत्ता मैं पहले आपको कुछ स्किल्स बताऊँगा, लेकिन स्किल्स से पहले आप ये सोचिए या खुद जानिए कि आपको खुद किस चीज़ में ज़्यादा शौक़ है, यानी आपको फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ है, वीडियो एडिटिंग का शौक़ है। फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ है मतलब यह है कि अगर आप तस्वीरें बनाते हैं अपने मोबाइल से, और फिर उसके मुख्तलिफ जो मोबाइल में ऐप्स होती हैं उनको एडिट करते रहते हैं, उनमें कोई कलर भरते रहते हैं, उनमें कोई डीसेचूरेट करते हैं यानी उसके कोई कलर बढ़ाते हैं घटाते हैं, या कुछ उसमें कोई इस तरह की ड्राइंगें करते रहते हैं यानी अपनी तस्वीरों के साथ खेलते रहते हैं, तो मतलब यह है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो फ़ोटो एडिटिंग में है। और अगर आप कोई छोटे मोटे व्लॉग्स बनाते हैं या छोटे मोटे क्लिप्स बनाते हैं और फिर इसको काइन मास्टर में जाके एडिट करते हैं, तो काइन मास्टर में ये भी मोबाइल की एक ऐप है, तो अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको यानी वो शौक़ से काम करते हैं, तो मतलब ये है कि आप जो है वीडियो एडिटिंग का आपकी तरफ ज़्यादा रुझान है यानी आपको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है। तो अगर आपको ये अपने शौक़ को अगर आपका फील्ड बन जाए यानी आपका प्रोफेशन बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बताता हूँ। अगर तो आप फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए एडोब फोटोशॉप एक बेहतरीन टूल है, और फ़ोटोशॉप अगर आप सीख लेते हैं तो फ़ोटोशॉप सीखने के बाद आपको किस किस चीज़ में माहिर हो जाते हैं, उसमें से एक तो ये है कि आप अपने जो अपना क्या बल्कि किसी के भी अपने क्लाइंट का अगर आपके पास कोई तस्वीर भी आती है तो उसका बैकग्राउंड इमेज वो तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड इमेज ही तब्दील नहीं होता है फ़ोटोशॉप में, बल्कि आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक तस्वीर बन गई है, तस्वीर बड़ी अच्छी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है या बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है यानी बहुत ज़्यादा चिट्टी हो गई है या बहुत ज़्यादा काली हो गई है। फ़ोटोशॉप में हम उसको ना लेवल उसके एडजस्ट करके ना उसको बेहतरीन लुक को एक बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें कलर करेक्शन कर सकते हैं, यानी अगर उसमें पीला हट बहुत ज़्यादा यानी उसमें येलो टोन बहुत ज़्यादा है तो येलो टोन उसमें से कम कर सकते हैं, इसी तरह अगर ब्लू टोन ज़्यादा आ गया तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, यानी ये सारा कलर करेक्शन उसमें हम अपने फ़ोटोज़ में कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेस की रीटचिंग होती है यानी फेस के बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो उनको साफ़ किया जा सकता है। और आपने अक्सर वेडिंग जो होती है, शादियों की जो फ़ोटोग्राफी होती है उसकी जो एल्बम होती है वो सारी की सारी अडोब फोटोशॉप में ही डिज़ाइन होती है। और बाकी इसमें यह है कि आप ये जो सर्विसेज हैं फिर आप फाइबर और अपवर्क में अपनी को गिग्स बना लें, उसमें आप सेल कर सकते हैं। और यकीन करें कि एक जो फ़ोटो एडिटिंग होती है ना, ये फ़ोटोज़ का सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने की भी आप यहाँ पे होती हैं सर्विस होती है, कि कोई पूछ रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो हमारी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो ये सर्विसेज भी सेल होती हैं। उसके अलावा फिर कलर करेक्शन हो गया, और फ़ोटोशॉप सीख लेने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं बल्कि आप इसमें काफ़ी हद तक और काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिज़नेस कार्ड जो होते हैं, विजिटिंग कार्ड जिसको आप कहते हैं, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो होटल में आपने मेन्यूज़ देखे होंगे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ब्रोशर्स, फ्लायर्स जो जिन्हें कहते हैं ब्रोशर्स हो गए, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। पैनाफ्लेक्स वगैरह ये भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। जी तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी क्योंकि पीछे से एक जहाज़ गुजरा है, तो मैं अभी बात कर रहा था फ़ोटोशॉप के मतलब की। तो यानी अगर आप फ़ोटोशॉप मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं तो आप ना सिर्फ एक फ़ोटो एडिटर अच्छे बन सकते हैं बल्कि आप काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। और आपने जो यूट्यूब पर जो थंबनेल देखते हैं वो भी मैं ज़्यादातर जो है बनाता हूँ, कभी कोरल ड्रा में बनाता हूँ और कभी फ़ोटोशॉप में। फेसबुक के जो कवर होते हैं वो भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, और
बाकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं वो भी आप इसमें बना सकते हैं, यानी आपको एक डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर आप फोटोशॉप मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं तो ये आप अगर आप फिर आगे मज़ीद आगे जाना चाहे वीडियो एडिटिंग के तरफ, तो वीडियो एडिटिंग में आप एडोब प्रीमियर प्रो, वो एक सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इस टाइम विंडोज़ में। और अगर मैक के सिस्टम की बात करें, मैक में फाइनल कट प्रो, लेकिन फाइनल कट प्रो जो है वो सिर्फ मैक की यूज़र ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मैक जो यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वर्जन अभी तक विंडोज़ के लिए नहीं आया। वीडियो बनाते हुए मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि एक तो सूरज कभी गायब हो रहा है यानी डिम हो रहा है, कभी लाइट हो रहा है, तो मुझे पसीना भी देखें अब कितना आना शुरू हो गया है, और बाज़ दफ़ा पीछे से जहाज़ गुजरना शुरू हो जाता है। तो वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर और फाइनल कट प्रो के अलावा और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मिसाल के तौर पर है फिल्मोरा। फिल्मोरा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ कर रहे हैं, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, और इसमें भी आप अच्छी खासी काफ़ी हद तक बेहतरीन किस्म की अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर जाना है तो मेरा मशवरा है कि आप एडोब प्रीमियर प्रो वो सीख लें। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर भी है डावेंसी रिजॉल्व, वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो सीख लें, क्योंकि अगर आपने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ है तो फ़ोटोशॉप और प्रीमियर इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो फ़ोटोशॉप है वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए है और जो वीडियो एडिटिंग के लिए है वह है प्रीमियर प्रो। तो यानी इनमें जो लेयर्स वगैरह होते हैं वो सब तकरीबन आपको वो एक जैसा ही होता है, तो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है दोनों। लेयर्स का अगर आपको फ़ोटोशॉप में पता चल गया तो वही चीज़ आपको प्रीमियर में भी पता चल जाएगी। और बाकी और भी जो अगर आप वेडिंग के हवाले से बात करें, मैरिज वीडियो के हवाले से, तो पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 70-80% लोग ADS ग्रास वैली ADS उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है और एडोब प्रीमियर प्रो के लेवल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा इन दो में से, यानी एक है एडोब इलस्ट्रेटर और दूसरा है कोरल ड्रा। एडोब इलस्ट्रेटर एडोबी कंपनी का है और ये फोटोशॉप से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, यानी इसका इंटरफेस तकरीबन एक जैसा ही है, देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आके काम इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि ये होता है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लोगो हो गया बना सकते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर और है कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर इन दोनों में काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है, और मैं खुद ज़ाती तौर पर तो कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ, लेकिन कोरल ड्रा में मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैंने कोरल ड्रा की कुछ क्लासेस बनाई हुई थी जिनका लिंक मैं हो सकता है ऊपर या आई बटन में या इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो वो मैंने सिखाया है, कुछ 4-5 क्लासेस बनाई थी। तो उसके बाद खैर मैंने फिर वीडियो एडिटिंग की बनाना शुरू कर दी, खैर ये तो चले छोड़े, मैंने काफ़ी रिसेंटली वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो यानी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा इनमें से कोई भी आप एक मुकम्मल तौर पर सीख लें तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे कि मैंने फ़ोटोशॉप में बताया था कि आप बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड वो डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर उसके अलावा इसमें कर सकते हैं जी लोगो भी इसमें बना सकते हैं आप, खासतौर पे लोगो इसमें बड़ा अच्छा बन जाएगा, फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, और इस तरह के यानी जितने काम ये पैनाफ्लैक्स हो गए, सारे के सारे होटल के मेन्यूज़ हो गए, ये सारा का सारा आप इसमें कर सकते हैं। और जो होती है बुक की हम पढ़ते हैं कोई भी किताब, वो भी ज़्यादातर जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो कोरल ड्रा में ही होती है। हम ऐसे कोई भी आप एक मुकम्मल तौर पर सीख लें, अगर आप बिल्कुल नए हैं यानी बिल्कुल इसमें ज़ीरो हैं इस फील्ड में, तो आप इलस्ट्रेटर सीख लें। और लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी कर रहे हैं काम ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो सारे के सारे ज़्यादातर कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब चंद एक हैं कि वो इलस्ट्रेटर पर शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं यानी बिल्कुल न्यू कमर हैं, बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, तो आप इलस्ट्रेटर सीख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं, आप सीखने आपने कैसे हैं, आप YouTube पे चले जाएं, इसके आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं भी इंशाल्लाह कुछ अर्से तक इनके कोर्सेज बनाना शुरू करूँगा। ये आप एक अपना टारगेट रखें कि आपने सबसे पहले आप देखें कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है, फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ है तो फ़ोटोशॉप, या वीडियो एडिटिंग का शौक़ है तो प्रीमियर, या फिर अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो फिर आप आ जाएं जी कोरल ड्रा में आ जाएं या इलस्ट्रेटर, इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर लें। अब सीखने का क्या तरीका है, आप YouTube पे कोई भी एक वीडियो देखें उसके मुतल्लिक, यानी आप सर्च करें स्टार्ट से, आप स्टार्ट से सर्च करके आप उसको सीखेंगे कैसे, जो भी आप सीखें वो पूरी की पूरी एक तो वीडियो देखें उनकी, जिसकी भी आप देख रहे हैं, किसी की भी, मैं अपनी नहीं कह रहा, किसी की भी देखें,
तो जिसकी वो वीडियो आप देखें, एक तो आप ऐसे स्किप करके आगे आगे ना जाएं, यानी जो थोड़ा थोड़ा आगे करके ना करें, वो जो जो कह रहे होते हैं आप उनको देखें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक छूट जाए तो हो सकता है वो आगे चलकर आपको परेशान करे। तो आप यानी कोई भी एक वीडियो देखेंगे, फिर उस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई एक बंदा अपना बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका बता रहा है कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है उस इमेज का, यानी अगर मेरे पीछे या मेरी एक तस्वीर है, इसके पीछे भी आप देख रहे हैं कि शायद आपको कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, तो इसके पीछे वो कोई आबशार लगा रहा है, यानी वो आबशार की पिक्चर लगा रहा है, तो उसने बहुत अपना जो इमेज अपना चेंज कर रहा है, या चले कोई भी आप इस तरह हम समझ लेते हैं कि उसने एक इमेज दिया कि उस इमेज को वो कट कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने एक और इमेज भी दे दिया है कि हम इस इमेज को चेंज करके ये वाला इमेज लगाते हैं। एक तो आप वो डाउनलोड करें और उस पर काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, और दोबारा देखने के बाद फिर उस पर प्रैक्टिस करें, और उस पर आप इतनी प्रैक्टिस करें जब आप देख लें कि भाई अब मैं इसमें काफ़ी हद तक मैं ये बग़ैर वीडियो देखे मैं इसको बना सकता हूँ, तो फिर आप नेट से कोई मज़ीद और इमेजेस या अपने कोई और इमेजेस डाउनलोड करें, फिर उनका बैकग्राउंड चेंज करें। फिर इसी तरह जब कलर करेक्शन की बारी आए, अगर तो उसने जो भी आपका ट्यूटर है या यूट्यूबर है जिसने उसी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो डाउनलोड करके पहले उस पर प्रैक्टिस करें और खूब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद उसके आप फिर मज़ीद आप जब देख लें कि ये आप 100% आपने ये मुकम्मल उसी तरीके से कर लिया है, तो फिर आप कोई नए इमेजेस लेकर उस पर प्रैक्टिस करें, और आप अपना एक टारगेट सेट करें। आपको फ़ोटोशॉप सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना या दो महीने का आप सीख लें, टारगेट रख लें, और दो महीने तक आप इसको मुकम्मल तौर पर सीखें, या मैं कहता हूँ तीन महीने तक आप इसको मुकम्मल तौर पर सीखें, फिर तीन महीने इसकी खूब प्रैक्टिस करें, यानी अपना एक टारगेट सेट कर लें कि छः महीने तक आप उसी सॉफ्टवेयर को मुसलसल आप प्रैक्टिस करते रहें। उसके अलावा आप भी कुछ टूल्स के साथ आप प्रैक्टिस करें, यानी अगर आपने किसी ने एक बता दिया कि बैकग्राउंड कैसे रेस किया जाता है, बैकग्राउंड रेस करने के लिए तो लासो टूल भी है, पेन टूल भी है, और भी टूल्स हैं, मैजिक विंड के साथ भी हो सकती है, तो आप मुख्तलिफ मज़ीद तजर्बे करते जाएँ उन टूल्स के साथ। अगर पिक सिलेक्शन के साथ किसी ने सिलेक्शन किया है तो आप लासो टूल के साथ करें। लासो में भी तीन किस्म के टूल होते हैं, एक तो लासो है, एक होता है पॉलीगन लासो, और एक होता है मैग्नेटिक लासो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रक्टर ने आपको बता दिया आप वही चीज़ करें, आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, और जारी रखेंगे तब आप नई से नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये थी मेरी एक वीडियो, एक शॉर्ट सी, इसमें थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो भी है, एजुकेशनल वीडियो भी है, और इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है। बाकी अब काम करना आपने है। मैं भी इंशाल्लाह जल्दी फ़ोटोशॉप का कोर्स एक अपलोड करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं प्रीमियर का कोर्स भी करूँगा, और फिर साथ फ़ोटोशॉप का भी, और आगे आफ्टर इफेक्ट का भी। फिर मैं किसी और वीडियो में आफ्टर इफेक्ट के मुतालिक भी बात करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और अभी सूरज ज़्यादा हो रहा है और मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, और मैं एक अंदाजे के साथ ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो मुझे बहुत डिम नज़र आ रही है, क्योंकि अभी सूरज काफ़ी हद तक अच्छा मैंने पूरे अपने जोबन में आ चुका है। और ये आज की वीडियो थी।